नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में मुख्य आरोपी को पटियाला जेल भेजा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और मेक्सिको सीमा पर 15,000 जवानों की तैनाती होगी। गूगल के कर्मचारियों की वॉकआउट की योजना। इंडोनेशिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स समुद्र से बरामद। कर्नाटक में भाजपा उम्मीदवार पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी और अन्य दलों के लिए कांग्रेस ने छोड़ी 24 सीट। प्रदूषण को लेकर हुई बैठक में नहीं पहुंचे पंजाब और हरियाणा के मंत्री। HDFC का मुनाफा 25% बढ़ा। महिंद्रा के वाहनों की बिक्री 14% बढ़ी। मुलायम की बहू राम मंदिर के पक्ष में। बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग पर। भारत और दक्षिण कोरिया पर्यटन समझौते को मंत्रिमंडल की मंजूरी। ट्रेड फेयर में GST के मुद्दों के लिए होगा सहायता केंद्र। GST संग्रह 1,00,000 करोड़ के पार। TVS मोटर की बिक्री 26% बढ़ी। 4,00,000 वाहन बेचे।